मैं आपके जरिए से ये अपील करता हूँ कि मुसलमानों हक को पहचानो। आज मिल्लत इस्लामिया किस कगर पर आकर ठहरा हुआ है, आज इनको पहचानो। एक बीजेपी और आरएसएस को क्या मालूम है, कुरान में तल्लाह के नाम पर एक सूरा है। ये हमारे ही सफों के दुश्मन, हमारे ही गद्दार, हमारे ही सफों के बीच में से कुरान के एक एक मायने उनको समझा कर आज इतना होशियार कर चुके हैं कि वो उनको किसने हक दिया, बीजेपी आरएसएस को किसने हक दिया, वो मुसलमान और कुरान के मुदाखलत करे, उनके बीच में मुदाखलत करे। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों के एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो चुका है। शिया सुन्नी का दुश्मन और सुन्नी मुसलमान अरब के दुश्मन और अरब सुन्नी के दुश्मन, ये अब नहीं चलने वाला। और इंशाल्लाह ताला पहले, क्योंकि आज दुबई, सऊदी अरब, बाहर मुल्कों में जो हमारे नौजवान बेरोजगार फिर रहे, उनको आज रोजगार नहीं है आज की हैदराबाद में। और ये लोग 200 करोड़ 300 करोड़ की दीवारें मजबूत कर करके महिला बना रहे, उसमें से 100 करोड़ भी मुसलमानों को नहीं काटा गया। तो मैं आज जो है कांग्रेस पार्टी से ये वायदा लेते हुए कांग्रेस में जा रहा हूँ कि बाहर मुल्कों में जो नौजवान काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर कुछ रोजगार मिला तो अच्छा है, हम सपोर्ट करेंगे। और सत्ता में आने के बाद जय कांग्रेस।